वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल डिफेंसेस चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी की, उसके टॉपिक मिस्टेक की। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोज। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जनरल डिफेंसेस, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी की। तो अगर हम चैप्टर 4 की बात करें, जनरल डिफेंसेस की बात करें ना, तो चैप्टर 4 जो है वो अलग अलग वेरियस डिफेंसेस के साथ डील करता है, ठीक है, जिसमें कि एक एक्यूज्ड पर्सन जो है वो जो डिफेंसेस दे सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिन जिन डिफेंसेस को एक एक्यूज्ड पर्सन प्ली कर सकता है कोर्ट में, उन सारे डिफेंसेस को जो है वो चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी देता है, जो डील करती है फ्रॉम सेक्शन 76 टू 106। तो इन सेक्शंस में कोई भी एक्यूज्ड पर्सन अपने डिफेंसेस को रख सकता है, इसमें सारे जनरल डिफेंसेस दिए गए। तो चैप्टर 4 जो है वो दो तरह के डिफेंसेस के साथ डील करता है। द फर्स्ट वन इज एक्सक्यूजेबल एंड सेकेंड वन इज जस्टिफेबल। तो जो एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस होते हैं वो कौन से डिफेंसेस होते हैं? एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस वो डिफेंसेस होते हैं जिनमें एक्यूज्ड एक्सक्यूज दे सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए इंटेंशन की ज़रूरत होती है, क्रिमिनल इंटेंशन की ज़रूरत होती है, मेंजीरिया की ज़रूरत होती है। तो अगर वो ही प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी एक्ट क्रिमिनल एक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें एक्सक्यूजेबल डिफेंस एक पर्सन तब देता है जब किसी भी एक्ट में उसके एक्ट में क्रिमिनल इंटेंशन या मेंजीरिया जो है वो नहीं है। तो अगर मेंजीरिया या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेंशन, बैड इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन अगर एब्सेंट है, तो वो सारे जो एक्ट होंगे उसमें पर्सन डिफेंस दे सकता है। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस जो होते हैं विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 76 टू 95 ऑफ आईपीसी। देन द नेक्स्ट वन इज जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल वो वाले डिफेंसेस होते हैं जिसमें एक पर्सन जस्टिफाई कर सकता है कि उसने ये जो एक्ट किया है, ये जो क्रिमिनल एक्ट किया है, वो क्यों किया है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये किससे डील करते हैं? इट डील्स फ्रॉम 96 टू 106। इसमें बेसिकली प्राइवेट डिफेंस आता है सारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक विच इज गिवन अंडर जनरल डिफेंसेस। बेसिकली फ्रॉम द वर्ड कि अगर किसी भी पर्सन को कोई मिस्टेक है, अगर कुछ ने किसी ने भी कोई एक्ट किया है जो मिस्टेक से किया है, बाय मिस्टेक, तो वो जो एक्ट है वो 76 और 79 सेक्शन के अंदर डिफेंस ले सकता है वो पर्सन। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज सेक्शंस, वी वुड फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड व्हाट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। ये दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इन सेक्शंस को क्लियर करने के लिए, इन सेक्शंस को समझने के लिए। तो फर्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है? जब किसी पर्सन को किसी फैक्ट को लेकर मिस्टेक लगती है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आता है। मिस्टेक मीन्स क्या? कि एक पर्सन के माइंड में जब कोई मिसकंसेप्शन होती है किसी चीज़ को लेकर, किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को लेके जब किसी के माइंड में कोई मिसकंसेप्शन होती है तो वो क्या होती है? वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पुलिसमैन है, ठीक है, और उसने जो है वो वाई को जाके अरेस्ट करना है, लेकिन वो यहाँ पे एक्स को अरेस्ट कर लेता है ये समझ के दैट एक्स इज वाई। तो यहाँ पे जो वो पुलिसमैन है उसके माइंड में क्या है? एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो एक्स है वो वाई है, हालांकि उसने अरेस्ट किसने करना है? वाई को करना है। तो इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो ए को लगा। देन नेक्स्ट वी हैव मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होता है? जब किसी पर्सन को किसी लॉ को लेके मिस्टेक लगती है, दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई चोरी कर दी, और उसके बाद वो कहे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ लॉ भी एग्जिस्ट करता है जो खून को या फिर चोरी को पनिश करता है, तो दैट वॉज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो अभी अगर हम आईपीसी में देखें, लॉ में देखें, तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है इट इज एन एक्सक्यूज, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब इसके दो फेमस मैक्सिम्स भी हैं। द फर्स्ट वन इज इग्नोरेंशिया फैक्टी एग्जिस्ट। इट मीन्स कि जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है इट इज एन एक्सक्यूज। एंड द सेकेंड वन इज इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इट मीन्स कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ओके, तो यहाँ पे अब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। वाई सो? बिकॉज अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज बनाया जा सकेगा तो कोई भी पर्सन कोई भी क्राइम करके कह देगा दैट ही वॉज नॉट अवेयर दैट सच लॉ एग्जिस्ट। तो दैट वुड
बी वेरी डिफिकल्ट टू पनिश द रियल क्रिमिनल. तो नेक्स्ट वन वी हैव, अब अगर हम सेक्शन 76 देखते हैं तो सेक्शन 76 क्या कहता है, इट्स सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट. इट्स सेज कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी एक्ट करता है जो बाउंड बाय लॉ हो या वो अपने आप को ये समझ के दैट ही इज बाउंड बाय लॉ कोई भी एक्ट करता है इन गुड फेथ तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, उसमें एक पुलिस ऑफिसर ए उसका ही इज बाउंड बाय लॉ हियर टू अरेस्ट वाई, तो वो बाउंड बाय लॉ है वाई को अरेस्ट करने के लिए. अब मान लो कि वो एक्स को वाई समझ के उसे अरेस्ट कर लेता है तो यहाँ पे उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है. अब यहाँ पे ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू अरेस्ट वाई बट अपने आप को ये बिलीव करके दैट ही इज बाउंड बाय लॉ टू अरेस्ट एक्स वो जाके एक्स को अरेस्ट कर देता है तो यहाँ पे इट वॉज अ मिस्टेक और ए ने जो कुछ भी किया दैट वॉज नॉट एन ऑफेंस. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, इट सेज कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है जो एक पर्सन ने की है जो कि लॉ के द्वारा बाउंड है या फिर अपने आप को वो लॉ के द्वारा बाउंड समझ रहा है और वो कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ. तो सेक्शन 76 क्या करती है, सेक्शन 76 ये कह रही है दैट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है. तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा काम करता है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. अब जैसे सेम एग्जांपल है कि अब जैसे ए ने बी को, ए ने वाई को अरेस्ट करना था, उसने एक्स को अरेस्ट कर लिया. यहाँ पे उसकी इंटेंशन अच्छी थी लेकिन उसने एक्स को अरेस्ट किया बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ क्योंकि उसे ये लगा कि जो एक्स है वो वाई है, ठीक है. और ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू डू सो, ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू अरेस्ट वाई तो दैट्स वाई इट वॉज नॉट एन ऑफेंस बाय ए. तो यहाँ पे ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है. अब अगर हम इसकी एसेंशियल्स को देखें तो इसके एसेंशियल्स क्या आएंगी, फर्स्ट वन एन एक्ट डन बाई पर्सन हु इज बाउंड बाई लॉ. तो कोई भी एक्ट किसने किया है जो कि बाय लॉ बाउंड है तो यहाँ पे ए वॉज बाउंड बाय लॉ टू अरेस्ट वाई और एन एक्ट डन बाय पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ इन डूइंग इट. तो अगर कोई भी पर्सन को ऐसा लगता है दैट वो बाउंड बाय लॉ है, ही वाज वो लॉ के द्वारा बाउंड है ऐसा करने के लिए. अब जैसे कि ए ने वाई को अरेस्ट करना था लेकिन उसने एक्स को अरेस्ट कर दिया ये समझ के दैट ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू सो तो वहाँ पे. देन थर्ड वी हैव द बिलीव मस्ट बी बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो जो उसे ये गलती लगी है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, इट मस्ट बी बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ. अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो फिर वो इस सेक्शन के अंडर कवर नहीं होगा. देन फोर्थ द बिलीव मस्ट बी मोनाफाइड, बिलीव हमेशा इन गुड फेथ होना चाहिए, मोनाफाइड होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन से या बैड इंटेंशन से नहीं होना चाहिए. ओनली देन दैट पर्सन वुड बी कवर अंडर दिस सेक्शन एंड देन दैट पर्सन कैन टेक द डिफेंस दैट उसने जो कुछ भी किया वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से किया, मिस्टेक ऑफ लॉ से नहीं किया, उसे नहीं पता था, ही वॉज बाउंड बाई लॉ टू डू इट और ही वॉज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ. देन नेक्स्ट सेक्शन 79 जो मिस्टेक से ही डील करती है. अब जो सेक्शन 76 थी वो डील करती थी उन लोगों से जो बाउंड बाय लॉ हो या फिर वो अपने आप को ये समझते हैं दैट दे आर बाउंड बाय लॉ. तो अब जो सेक्शन 79 है वो डील करती है जस्टिफाइड बाय लॉ को लेकर, ठीक है. कि अगर कोई भी पर्सन है उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ और वो जस्टिफाई है बाय लॉ. अब फॉर एग्जाम्पल इसी की इलस्ट्रेशन है कि मान लो कि जो ए है उसने देखा, मतलब ए ने देखा जो उसे देखने पे लगा कि जो जेड है वो मर्डर कमिट कर रहा है तो ए ने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग गुड फेथ में जेड को सीज कर लिया ताकि वो उसे प्रॉपर अथॉरिटीज को यानी कि पुलिस
हवाले उसे कर सके। तो यहाँ पे एक ने जो कुछ भी किया वो उसने गुड फेथ में किया, ही वॉज जस्टिफाइड बाई लॉ टू डू सो। ठीक है ना, तो जब कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा काम करता है बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ गुड फेथ में, तो वो जो होगा वो फैक्ट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे ए ने जो कुछ भी किया था वो गुड फेथ में किया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से किया था, नॉट मिस बाई मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, और सेकेंडली एंड थर्डली उसने जो कुछ भी किया था ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ, या फिर उसे लगता था दैट ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ, क्योंकि अब यहाँ में उसने जेड अगर नहीं भी मर्डर कमिट कर रहा था तो लेकिन उसे ये चीज़ लगी कि वो मर्डर कमिट कर रहा है, तो उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया, अभी ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो यहाँ पे जो ए है उसने कोई भी जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं किया। तो अब अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इट वॉज फर्स्ट वन इज द एक्ट डन बाई अ पर्सन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फर्स्ट वन की मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड भी, सेकेंड मिस्टेक मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट एंड नॉट टू लॉ। ठीक है, देन थर्ड मिस सेकेंड वन मिस्टेक मस्ट बी कमिटेड इन गुड फेथ, और मोस्ट जो भी मिस्टेक है इट मस्ट बी इन गुड फेथ। एंड द थर्ड वन इज द पर्सन डूइंग द एक्ट इज ईदर जस्टिफाइड बाय लॉ, या तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए या फिर उसे ये चीज़ लगती होनी चाहिए दैट ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ। सो दिस वॉज अर कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 76-79 द मिस्टेक। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और IPC पे हमने और भी प्ले लिस्ट बनाई है, और भी वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आपको वो भी देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। थैंक यू गाइस।